शहर है, एक सूचन और सबके यही और ये नजर में है कि एक लड़की ने मेरे मगरमच्छ क्या सुन दिलो तेरा एक सूचन कहां हुआ था। बस मैंने पूछा तेरा ये किसी दंडन कहा हुआ था या बहन से मेरा ये सीधन में चौरा ही हुआ जिनावर को छपना देता है चौराहे पर एक्सीडेंट हुआ और चंबल में अभी तो साफ नहीं बताया है, साफ बता और जब इंसान प्यारी है तो साफ बता वरना पिला वरना मेरा मिट्टी में मिला पिया अगर तुम कुछ नहीं है तो किसी ने मारा डाक्टर याद नहीं बताऊंगा तेरी भगवान धामपुर बीना मुखिया अर्जुन करण करे तुझे झूठ तक जोड़ी तेरा बड़ा परिवार है तेरे परिवार में जब तुझे तुम मारा गया तो कोई बोला नहीं चुकमा देता साले Oh,
ताला खोल दिया। मतलब मुझे भैया क्योंकि भैया के नाम से मुझे सब एलर्जी है। और ये भी क्या कहा तुमने, दादा लोग के जिसम में दिल नहीं होता। जानता हो कि तुम एक बात हो जिनके अंदर दया नहीं है, और ये नहीं जानता है कि डाकू लोग कैसे बनते हैं। ये पैसा हम होता है डाकुओं का कि गरीबों को सताते हैं और कोई बेबस बेसारा और बहुत हो चुका है। मार कर मुझे बुला लो प्यार। तू मेरी कहानी सुन जा। तू क्या जानता है मेरा घर नहीं था। अरे स्वर्ग से सुंदर मेरा घर था। मेरी भी 7 साल की बेटी थी और 14 साल का मेरा बेटा था। बेटी और मेरी बूढ़ी माँ थी। को नहीं है, मैं कभी फौज में कमांडर हुआ था। क्यों गए, क्यों गए? देश की रक्षा करने वाला देश भर है, ये बाकी लुटेरा नहीं। देश की रक्षा करने वाला किस्मत उगाई पर मैंने भी कहा सुन, मैं कभी फौज में कमांडर हुआ करता था, मुझे लोग दिलावर सिंह कहते थे। एक दिन की बात है, मैं छुट्टी पर अपने घर आया चलाने के लिए। जिस समय मैंने अपने तरीर पर कदम रखा, फिर क्या हुआ? और के बच्चे और माँ बीबी भी गाँव बाला समाज के तरीन के मन में आंखों के सामने मरोड़ता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने मेरे सर पर हाथ रखकर ये नहीं कहा कि बिलावर ने तो चुप चुप बचा। लेकिन आज दिनों में जिस सन से निकलता है, जिस नाम से निकलता है, लोग ने क्या पैर पौधे आवाज लगाते कि आज नाम जा रहा है। आज तुमने मन बना दिया, क्या चाहता है तुम बता। मुझे बाप का मैंने आपका दिल दुखाया है, मुझे बाप काश मुझे वो मालूम होता कि मेरे ये कहने से आप लेकिन फिर सोचता हूं कि कातिल मेरा बस बनिया बस जल रहा हमारे सोखे सखम को हरा कर देंगे। तब मैं कैसी बात कभी नहीं थे, तब कभी नहीं मैंने और दिन दिखाया आपके आपके बस दिए मेरे चाचा से आपकी दिलावर की जान मांगेगा तो दिलावर को मैं अपने हर रोज मरना तुझे देखा। तूने मुझे भैया कहा था, अब मुझे भैया कहने वाला ये दुनिया में कोई नहीं है तेरे सिवा। मुझ पर
पर एक एहसान कर दो, मुझे अपने भाई की जान नहीं चाहिए, मुझे मेरे घर का भजवा कर दिया, क्योंकि मैंने घर में मेरे बाबू जी और मेरा भाई और मेरी बहन बहुत बोली है। जानता है क्या का सफी बेटी को दफन किए बरसों बीत गए, बच्चे का प्यार पाया बरसों बीत गए, दिलावर अकेला है, दिलावर के पास केवल जिंदा दिल है, जिंदा है कि काश मेरा दुश्मन मेरे सामने पर जाए तो या तो आग होगा या तो पाप। क्या तुम भी को देखोगे, तुम मेरी दिल के कारण मिलने के कारण अल्लाह अगर मेरी बहन की सोच तुम्हें देखी थी, उसे मालूम होगा कि उसके दो भाई थे, एक और भाई भी है, बहुत बहुत बोला है करण, तू भी बहुत बोला है, बहुत बोला है तू। आपका बेटा वो पहला याद आ जाएगा, मैं कभी अपने रूप से ये बात नहीं कहता कि तुम पैसे बनता तुम्हें, ये कहकर मैंने दिल दिखाया और ये आंखों के आंसू, हमने जो आपकी दास्तान सुनाई है तो आपका दिल दुखा आपके आंखों के आंसू आ गए। देखो यही मेरा घर है, मेरी बहन और मेरा भाई मेरे बाबू जी मेरा इंतजार करते होंगे, एक आवाज सुनकर जिस वक्त मेरी आवाज मेरे बहन के कानों में पड़ेगी वो पागलों की तरह भैया भैया कहकर दौड़ी चली आएगी। बाबू जी और जो भैया यही आपका घर था, यही आपका परिवार था, लेकिन यहाँ का धर्मपाल ठाकुर तुम्हारे घर के ऊपर बहन और भाई के ऊपर बहुत अत्याचार किया। क्या किया मेरे भाई की ऊपर? तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलवा दिया, घर पर परिवार कर दिया, और बहन मेरे बाबू जी मेरे भाई और तुम्हारी बहन के साथ उसने बलात्कार किया,
तरफ तुम्हारे पिताजी ने बहन की लाश को देखा, उनका दम उन पर टूट गया, हाथ अटैक हो गया। तुम्हारे भाई का कोई पता नहीं है, वो बेचारा कहां मारा मारा पिता। और हम चाहे और दूसरी तरफ मौत के मिल जाता है। मतलब मौत का इक्का का राजा है, उसके पास दौलत है, इज्जत है, सलाह है। आज तुरंत के सीने में कलेजा आ गया, कलेजे से कुछ नहीं होता, कलेजे से कुछ नहीं होता। तूने मुझे भाई कहा है, चल मेरे साथ, कसम भवानी की तुझे वो घायल शेर बनाऊंगा, वो घायल शेर बनाऊंगा, के दिया काफे की तरह। वक्त है सोच ले, ऐसा न किया तो स्वर्ग में बैठे तेरे बाप की आत्मा का खुजी और तू पतला कभी नहीं ले पाएगा। चल मेरे साथ चल, अभी वक्त है, और तेरी दुनिया तो उजड़ गई, कुछ नहीं बचा। अरे तो किसी ने मेरे सारा चल दिया, वो यार आग की ज्वाला तो चल उससे तोड़ दिया। और बनना दास पड़े हाथ शाबाश, यही जमीन में देखना चाहता तो तीन आंखों में। और आज बात और है, इतना खो के इतना सुमर्ग की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अगर यह कमजोरी है तो आज के बाद आंखों से आंसू हो, अंगारे पर से जवाबारे उसकी दुनिया चलाकर हाथ कर दूंगा। शाबाश मेरे घायल से शाबाश। हम डाकुओं के परंपरा के रिवाज के मुताबिक क्या भवानी माँ की सौगंध की हम अपने साथियों के साथ कर दूंगा।